नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड रोगियों की सबसे कम संख्या और सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में से एक। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सप्ताहांत लॉकडाउन के तहत कड़े प्रतिबंध लागू। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल से मिले और तत्काल राज्य विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, बैंक और वित्तीय संस्थान कोविड 19 महामारी से उत्पन्न वित्तीय दबाव कम करने के लिए प्रयासरत। और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत और आसियान कोविड उपरांत विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी चंद्रिका जोशी के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कहा कि भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कोविड 19 मरीजों की संख्या और मृत्यु सबसे कम है। उन्होंने कहा कि अब मरीजों के ठीक होने की दर 63.45% और मृत्यु दर 2.3% है। शंघाई सहयोग संगठन के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में पहले व्यक्तिगत सुरक्षा कवर यानी पीपीई किट का एक भी निर्माता नहीं था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में ही देश ने इसके निर्माण की क्षमता हासिल कर ली। उन्होंने कहा कि देश अब उत्कृष्ट पीपीई का निर्यात कर सकता है। अन्य स्वदेशी उपकरणों की क्षमता हासिल कर उनका उत्पादन भी बढ़ाया गया है तथा वेंटिलेटर और मेडिकल ऑक्सीजन के लिए मांग और आपूर्ति का अंतर भी कम किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने निगरानी और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार सहित सभी आवश्यक कदम समय से उठाए हैं। इंडिया हैज टेकन ऑल नेसेसरी स्टेप्स वेल इन टाइम, इंक्लूडिंग सर्वेलेंस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ओवर 2 मिलियन फ्रंटलाइन ह्यूमन रिसोर्सेज, रिस्क कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। आई थिंक वी डिड अवर बेस्ट एंड वी डिड वेल। वी आर लर्निंग एंड वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग बेटर इन द मंथ्स टू कम। स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड 19 प्रबंधन में सूचना टेक्नोलॉजी के नूतन उपयोग पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि कोविड 19 मरीजों की अधिक संख्या की आशंका वाले क्षेत्रों में निगरानी और मरीजों की पहचान के लिए आरोग्य सेतु ऐप और इतिहास ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अस्पताल में भर्ती मरीजों की जांच के लिए आरटीपीसीआर ऐप और केंद्रों तथा बिस्तर क्षमताओं के बारे में फैसिलिटी ऐप को कोविड पोर्टल पर एक ही जगह उपलब्ध करा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति पर बल देते हुए कहा कि कोविड 19 के दौरान इसने जनसंख्या की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। द इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंशियली इन बूस्टिंग द इम्यूनिटी ऑफ जनरल पॉपुलेशन। सच कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन सिस्टम्स आर वाइडली प्रैक्टिस्ड इन ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ अवर शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हाउएवर देयर इज करंटली नो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म विद इन एससीओ टू डिस्कस कॉपरेशन इन ट्रेडिशनल मेडिसिन दैट हैज द पोटेंशियल टू फुलफिल द WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रैटेजी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने शंघाई सहयोग संगठन के स्वास्थ्य मंत्रियों की मौजूदा संस्थागत बैठकों के तहत पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर नए उपसमूह के गठन का प्रस्ताव किया। स्वास्थ्य मंत्री ने इस महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के सभी कर्मचारियों को बधाई दी और कहा कि वे मानवता की सेवा के लिए भगवान से कम नहीं हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड 19 से रिकॉर्ड 34,602 लोग ठीक हुए हैं। देश में महामारी के बाद एक दिन में ठीक होने वालों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या अब 8,17,209 हो गई है। सरकार ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में देशभर में कोविड 19 के 49,310 नए मामलों का पता चला है, जिससे देश में इस महामारी से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 12,87,945 हो गई है। लेकिन इस समय कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4,40,135 है। एक दिन में 740 लोगों की मौत हुई है। देशभर में मरने वालों का आंकड़ा 30,601 हो गया है।
इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में देश भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं में कोविड 19 महामारी के 3,52,801 नमूनों की जांच की गई है। भारत कोविड 19 पर नियंत्रण पाने के लिए वैक्सीन विकसित करने के वैश्विक प्रयासों में अग्रणी देशों में शामिल है। सरकारी एजेंसियों ने निजी भागीदारों के साथ कोविड वैक्सीन के विकास के लिए आवश्यक अनुमोदन प्रक्रिया के प्रयास तेज कर दिए हैं। स्वदेशी कोविड टीकों के मानव परीक्षण शुरू हो गए हैं, जो कि देश भर में विभिन्न स्तरों पर हैं। इन परीक्षणों के जरिए इन टीकों की प्रभावशीलता की पहचान की जाएगी। भारत बायोटेक और जायडस कैडिला ने सरकार से अनुमति मिलने के बाद अपने टीकों के मानवों पर परीक्षणों की शुरुआत कर दी है। सरकार ने इन टीकों के विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता और नियामक प्रक्रिया सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। ICMR और भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन नामक संभावित कोविड टीके के विकास के लिए हाथ मिलाया है, जबकि जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जायडस के टीके जायकोव डी के विकास में मदद प्रदान की है। भारत को दुनिया की फार्मेसी माना जाता है और विश्व भर में 60% टीकों की आपूर्ति भारत के जरिए की जाती है। एक शीर्ष भारतीय फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के संभावित कोविड 19 वैक्सीन की 1 बिलियन खुराक की आपूर्ति करने के लिए ब्रिटिश दवा निर्माता एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता किया है। मौजूदा समय में यह टीका मानव परीक्षण के तीसरे चरण पर है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत और इसराइल ने कोविड 19 की जांच के लिए मिलकर एक त्वरित जांच किट विकसित की है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने बताया कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा इसराइल की रक्षा अनुसंधान इकाई के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से इस कोविड जांच किट को तैयार किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में प्रोफेसर विजय राघवन ने कहा कि इस त्वरित जांच किट से 30 सेकंड के भीतर कोविड संक्रमण की जांच के शुरुआती परिणाम मिल जाते हैं। प्रोफेसर राघवन ने कहा कि इस जांच किट का विकास कई नवीनतम तकनीकों को मिलाकर किया गया है, जिनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ऑनलाइन वॉइस टेस्ट, श्वास नली परीक्षण, आइसोथर्मल परीक्षण और पॉलीमिनो एसिड परीक्षण शामिल हैं। There are multiple kinds of technologies for testing and they will have to be validated and DRDO and the Israeli DRDO are working together on these technologies. So you have to do a test but also validate that by RT-PCR. So RT-PCR ke comparison mein ye test kaise kaam karte hain. If they work, they will be very, very valuable because they are very fast tests. Now, whether on the field they will work as they worked in the lab or not is something which has to be tested. भारत और इसराइल कोविड वैक्सीन पर काम करने वाले वैज्ञानिकों के विश्व संघ के सदस्य भी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसराइल के रक्षा मंत्री बेनी गांस ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। टेलीफोन पर बातचीत में दोनों नेताओं ने कोविड 19 महामारी की स्थिति और इससे लड़ने के सामूहिक प्रयास के बारे में चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। हेलो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ, पानी से भरी टंकियों और बर्तनों को अच्छी तरह ढककर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गई? हाँ समझ गई, और दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू में कोविड 19 मरीजों की संख्या में वृद्धि को रोकने के लिए सप्ताहांत में लॉकडाउन लागू किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लॉकडाउन आज शाम 6 बजे से लागू हुआ। इस लॉकडाउन के दौरान आपातकालीन आवश्यकताओं और चिकित्सा सुविधाओं को छोड़कर व्यक्तियों, वाहनों और सभी अन्य गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। सामुदायिक जरूरतों के लिए केवल स्थानीय केमिस्ट, फल, सब्जी और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। आवश्यक सेवाओं या अन्य विभागों के सरकारी कर्मचारियों को आईडी कार्ड पर चलने की अनुमति दी जा रही है और हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन से आने और जाने वाले यात्रियों को टिकटों पर आने जाने की अनुमति दी जा रही है। माल वाहनों की आवाजाही पर कोई
प्रतिबंध नहीं होगा। उधमपुर जिले में भी आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक इसी तरह का लॉकडाउन लगाया गया है। उधर कश्मीर घाटी में भी 28 जुलाई तक बांडीपुरा को छोड़कर तमाम अन्य जिलों में लॉकडाउन जारी है। नसीर राठिर, आकाशवाणी समाचार, जम्मू। जम्मू कश्मीर में कोविड की रोकथाम के प्रयासों को तेज करने और किसी अधिसूचित आपदा से उत्पन्न आपात स्थिति से निपटने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के सभी 20 जिलों के उपायुक्तों को राज्य आपदा कार्रवाई कोष से 50 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में आज श्रीनगर में हुई राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में ये मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश में कोविड जांच के लिए सभी जिलों के प्रमुख अस्पतालों में समर्पित मोबाइल कोविड जांच वैन उपलब्ध कराई जाएंगी। संबंधित अस्पताल अपने यहां भर्ती मरीजों के सभी नमूनों की जांच करेंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में आज रात 10 बजे से सप्ताहांत का लॉकडाउन लागू किया जा रहा है, जो 27 जुलाई को शाम 5 बजे तक लागू रहेगा। लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और बलिया जिलों में विशेष घर घर संपर्क अभियान शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत लोगों की हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कंटेनमेंट जोन में व्यवस्था बरकरार रखने के लिए एनसीसी कैडेटों और सिविल डिफेंस के लोगों की मदद लेने को कहा है। जिलों में स्टैटिक बूथ तैयार किए गए हैं, जहां पर कोविड मरीजों के एंटीजन टेस्ट किए जाएंगे। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 2712 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में इस समय कोरोना के 21,711 सक्रिय मामले हैं और 37,712 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। प्रदेश में सर्विलांस टीमों ने अब तक 6,77,00,000 से अधिक लोगों की हेल्थ स्क्रीनिंग की है और 56,000 से अधिक कोविड हेल्प डेस्क तैयार कर ली गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। महाराष्ट्र में कोरोना रोगियों के उपचार के लिए धारावी के लोग उदाहरण साबित हो रहे हैं। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि कोविड 19 से पूरी तरह स्वस्थ लोग अब प्लाज्मा दान करने के लिए आगे आ रहे हैं। प्लाज्मा दान करने वालों में पुलिस अधिकारी, डॉक्टर, राजनेता और आम नागरिक शामिल हैं। इस महीने की 27 तारीख को शिवसेना अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के अवसर पर धारावी में प्लाज्मा दान अभियान आयोजित किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड 19 के मद्देनजर एक निर्देश जारी किया है, जिसके चलते गर्भवती महिलाओं तथा वे महिलाएं जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए कार्यालय जाना अनिवार्य नहीं होगा। वहीं नागपुर जिला प्रशासन ने 2 दिन के जनता कर्फ्यू की घोषणा की है। शहर में कल और परसों केवल आवश्यक सेवाएं ही कार्यशील रहेंगी। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गुजरात में अहमदाबाद रेलवे मंडल ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर सामान को सैनिटाइज करने की अनूठी योजना शुरू की है। रेलवे की ये अपनी तरह की पहली योजना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि लॉकडाउन खोलने के पहले चरण के बाद परिवहन और यात्री सेवाओं में तेजी आने के मद्देनजर अहमदाबाद रेलवे मंडल ने सुरक्षित यात्रा के लिए ये पहल की है। बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिड मशीन रेडिएशन का उपयोग करके सामान को पूरी तरह से सैनिटाइज करती है। मशीन को एक निजी कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। अहमदाबाद मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार झा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बैगेज के अंदर के टिफिन, भोजन, सब्जियां या पानी पर इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। कोरोना महामारी के मद्देनजर यह रेलवे द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक आदर्श समाधान है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर लगभग 69 वर्ग मीटर जगह पर यह मशीन स्थापित की गई है, जिसके माध्यम से अहमदाबाद मंडल को 6,00,000 रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। यह सेवा यात्रियों के लिए स्वैच्छिक होगी, जिसके लिए उन्हें सामान के आकार और वजन के आधार पर 80 रुपए तक का शुल्क देना होगा। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। चेन्नई में कोविड 19 से स्वस्थ हुए 68 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लौट आए हैं। वे अनिवार्य क्वारंटीन के बाद अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। शहर के पुलिस आयुक्त महेश कुमार अग्रवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। चेन्नई में 1,616 पुलिसकर्मी अब तक इस वायरस से संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 1,118 स्वस्थ हो चुके हैं। राष्ट्रमंडल महासचिव पैट्रिशिया स्कॉटलैंड ने भारत के फिट इंडिया मूवमेंट की सराहना की है। उन्होंने इसे कोविड 19 महामारी को परास्त करने का बेजोड़ उपाय बताया। फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रमंडल देशों के मंत्रियों
के फोरम की वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने खेल गतिविधियां फिर शुरू करने की, भारत की रूपरेखा साझा करने और कोविड महामारी परवर्ती युग में साझा खेल नीति तैयार करने में योगदान करने की इच्छा व्यक्त की। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड 19 महामारी के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है। आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मनोरोग विभाग के प्रोफेसर डॉ. नंद कुमार ने लोगों को घर पर रहने, परिवार के साथ समय बिताने और योगाभ्यास करने की सलाह दी है। We are going to overcome this crisis within a few weeks. Stay at home, spend time with the family, do household work, exercise, listen to music, sing with the family, do yoga, meditation and take care of emotional need of the family. दिल्ली के गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे ने सलाह दी है कि जब घर से बाहर जाएं तो मास्क अवश्य लगाएं। मास्क की जरूरत उन इंसानों को है जिनको हेल्थ सेक्टर में अगर वो काम कर रहे हैं या उनका डायरेक्ट किसी कोरोना के मरीज के इलाज में या उनके क्वारंटाइन में उनकी भूमिका है। लेकिन अगर आप घर में रह रहे हैं और स्वस्थ है और आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है, अभी फ्लू के लक्षण नहीं है, तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड 19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा सलाहकार डॉ. नरेश गुप्ता चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता, स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 0112331444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। सरकार ने कोविड 19 को देखते हुए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह मौके के अनुरूप आयोजित किया जाना चाहिए। एक रिपोर्ट। लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को गृह मंत्रालय के एहतियाती दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जाएगा। इस वर्ष के समारोह में शामिल कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री का अभिभाषण, गार्ड ऑफ ऑनर, राष्ट्रीय ध्वज फहराना, राष्ट्रगान और तिरंगा गुब्बारों को छोड़ने जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे। दिशा निर्देश में कोविड योद्धाओं जैसे कि डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों को उनकी सेवा के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के नजरिए से विशेष रूप से आमंत्रित करने को भी कहा गया है। सरकार ने देश भर के राज्य और जिला प्रशासनों से आत्मनिर्भर भारत अभियान से जन जन को जोड़ने संबंधित कार्यक्रमों को भी अधिकतम बढ़ावा देने का आग्रह किया है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। सरहद की रक्षा की खातिर अड़े रहे वो सेनातान, शहीद हुए जो वीर सैनानी, अजर अमर उनका बलिदान, अजर अमर उनका बलिदान। कारगिल दिवस पर सेना के वीर शहीद सेनानियों को देश का शत शत नमन। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, भारत प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड रोगियों की सबसे कम संख्या और सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में से एक। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सप्ताहांत लॉकडाउन के तहत कड़े प्रतिबंध लागू। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल से मिले और तत्काल राज्य विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, बैंक और वित्तीय संस्थान कोविड 19 महामारी से उत्पन्न वित्तीय दबाव कम करने के लिए प्रयासरत। और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत और आसियान कोविड के उपरांत विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समर्थक विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ आज दोपहर राजभवन पहुंचे और तुरंत विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की। उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। राज्यपाल ने विधायकों से कहा कि उन्हें राज्य में मौजूदा स्थिति के मद्देनजर कानूनी राय लेनी है। राज्यपाल के आश्वासन के बाद भी कांग्रेस विधायक, निर्दलीय विधायक और सरकार का समर्थन कर रहे विधायक राजभवन में मौजूद हैं। राजभवन के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यदि राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति दें तो बहुमत सिद्ध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे राज्यपाल के पत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद अगली कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में भी इस मुद्दे पर ठोस रुख अपना लिया है। वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने आज शाम जयपुर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है, जो अनुचित है। विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायकों ने आज सभी तरह की मर्यादाएं तार तार कर दी। उन्होंने कहा कि सत्र बुलाने का अधिकार राज्यपाल के पास है, इसलिए उन पर अनावश्यक दबाव डालना गलत है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। राज्य में पिछले 12 दिन से जारी सियासी घटनाक्रम अब चरम पर पहुंच गया है। आज सुबह तक सबकी निगाहें उच्च न्यायालय के फैसले पर टिकी थी, जहां कांग्रेस के 19 बाकी विधायकों को दिए गए अयोग्यता संबंधी नोटिस का फैसला आना था, लेकिन शाम होते होते राजनीति का केंद्र राजभवन हो गया। विधानसभा का सत्र बुलाने को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच आज आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। इस बीच कांग्रेस के बागी विधायकों ने आज एक वीडियो जारी कर कहा कि उन्हें किसी ने बंधक नहीं बनाया है और वे सकुशल हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए अनावश्यक आरोप लगा रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में भाजपा विधायक मदन दिलावर ने बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय को लेकर उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसकी सुनवाई सोमवार को होगी। कुल मिलाकर शहर और मार्ग राजनीति में कई मोर्चे खुल गए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य बाकी विधायकों की उस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस को चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर यथास्थिति बनाए रखने का भी आदेश दिया। इससे पहले न्यायालय ने कांग्रेस के बाकी विधायकों को उस अर्जी को भी स्वीकार कर लिया, जिसमें केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाने का अनुरोध किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज श्रीमती आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया। इस समय वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। उन्हें लालजी टंडन की मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों से कहा है कि वे कोविड 19 महामारी के दौरान अत्यधिक जोखिम से बचें। द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में की भूमिका में डॉ शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंकों और वित्तीय कंपनियों की सर्वोच्च प्राथमिकता अब पूंजी का स्तर सुधारने और उत्थान शक्ति में सुधार लाने की होनी चाहिए। श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि देश की वित्तीय प्रणाली सुदृढ़ है, लेकिन अत्यधिक सावधानी से काम करना वक्त की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकारों, केंद्रीय बैंकों और अन्य सरकारी एजेंसियों ने विश्व भर में व्यापारियों, निवेशकों और उपभोक्ताओं के बीच वित्तीय दबाव दूर करने के लिए समन्वित प्रयास किए हैं। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि कोविड 19 के बाद विश्व की आर्थिक स्थिति सुधारने में भारत और आसियान प्रमुख भूमिका अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य उनके अनुकूल होगा, क्योंकि भारत और आसियान देशों में नई ऊंचाइयां छूने की समान योग्यता, साहस और संकल्प शक्ति है। वे आसियान देशों के उद्यमियों के बीच वर्चुअल वार्तालाप में मुख्य भाषण दे रहे थे। इसका आयोजन भारत आसियान महिला व्यापार मंच और फिक्की ने किया था। डॉ सिंह ने कहा कि भारत और आसियान के बीच घनिष्ठ व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों के कारण ये क्षेत्र कोरोना के बाद के समय में विश्व की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। उन्होंने कहा कि आसियान के साथ व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को प्रोत्साहित करने में पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशेष भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का
प्रवेश द्वार है। भारत चीन सीमा मामलों के बारे में परामर्श और समन्वय से संबंधित कार्यबल की आज 17वीं बैठक हुई। भारत और चीन दोनों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति और पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया की समीक्षा की। दोनों देश इस बात पर सहमत थे कि आपसी समझौतों के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की शीघ्र और पूर्ण वापसी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में गतिरोध दूर करना द्विपक्षीय संबंधों को सुचारू बनाने के लिए अनिवार्य है। शिष्टमंडल का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्रालय के सीमावर्ती मामलों के महानिदेशक ने किया। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के प्रयास कर रहा है और इस वर्ष नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं में 50-60% की वृद्धि हुई है। हालांकि सतर्क सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के इन प्रयासों को सफलतापूर्वक विफल किया और बड़ी संख्या में आतंकवादियों को मार गिराया। वे आज उधमपुर में एक व्यायामशाला के उद्घाटन के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज खादी और ग्रामोद्योग आयोग की कुम्हार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 100% कारीगरों को 100 विद्युत कुम्हार चक्के वितरित किए। श्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर के बलवा गांव में कुम्हार चक्के बांटे। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। तापमान 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। चेन्नई में तापमान 27 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। कोलकाता में गरज के साथ बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। यहां आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश होने के भी आसार हैं। श्रीनगर में तापमान 17 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दोपहर बाद या शाम तक बादल घिरने की उम्मीद है। लद्दाख में लेह में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। गिलगित में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। एक दो बार बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने कर प्रशासन को करदाता के अनुकूल और पारदर्शी बनाने के लिए आयकर विभाग के प्रयासों की सराहना की है। आज 160वें आयकर दिवस पर श्रीमती सीतारामन ने कोविड महामारी के दौरान करदाताओं की जरूरतों के अनुसार आवश्यक प्रक्रियाओं में छूट देने के लिए भी आयकर विभाग की सराहना की। उन्होंने हाल के वर्षों में आयकर विभाग को न केवल राजस्व संग्रह करने वाला बल्कि नागरिक उन्मुखी संगठन बनने के लिए भी प्रशंसा की। उन्होंने नई और सरल कर व्यवस्था की शुरुआत करने और कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर दरों को कम करने जैसे विभिन्न सुधार उपायों का जिक्र किया। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 12 अंक गिरकर 38,129 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 21 अंक घटकर 11,194 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, भारत प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड रोगियों की सबसे कम संख्या और सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में से एक। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सप्ताहांत लॉकडाउन के तहत कड़े प्रतिबंध लागू। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्यपाल से मिले और तत्काल राज्य विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, बैंक और वित्तीय संस्थान कोविड 19 महामारी से उत्पन्न वित्तीय दबाव कम करने के लिए प्रयासरत। और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत और आसियान कोविड के उपरांत विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।